जिलाधिकारी श्रीमती शकुंतला गौतम जी व पुलिस अधीक्षक श्री प्रताप गोविंद्र जी कोतवाली बागपत में आगामी त्योहार ईद के संबंध में शांति समिति की बैठक रखते हुए कोतवाली बागपत में आज शांति समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक ली गई। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक ली गई, जो 22 तारीख की अलविदा की नमाज है और चंद्र दर्शन के अनुसार 25-26 को ईद पड़ेगी, उसके दृष्टिगत सभी धर्म गुरुओं की बैठक ली गई। पेश इमाम शहर काजी और उनके जो भी मुफ्ती साहब हैं उनकी बैठक लेकर जो भी मौलवी साहबान हैं उनसे सिर्फ यही गुजारिश की गई है कि लॉकडाउन में धर्म स्थल पर सभी गतिविधियां बंद हैं। जो भी उन्हें इबादत करनी है, नमाज पढ़नी है, वो अपने घरों में ही पढ़ें। उनके द्वारा भी इसी तरह की अपने समाज के लोगों से अपील जारी की गई है। दूसरा, इस समय दुकानें और जो ट्रेड वाइज दुकानें खोलने की, दिन वाइज ट्रेड वाइज दुकानें खोलने के लिए आदेश कर दिए गए हैं, उसके दृष्टिगत भी व्यापारियों से, व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से बात की गई कि वो फेस कवर, फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजेशन करना अनिवार्य होगा। जो व्यक्ति आ रहा है स्वयं को उनको सुरक्षा करनी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए जो 8 बजे से 12 बजे तक कुछ सभी ट्रेड हैं वो कुछ ट्रेड आपके सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को खेले गए हैं जो आवश्यक चीज़ों से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को प्रातः 8 बजे से खोले गए हैं और मंडी खोलने का जो मुख्य मंडी है वो प्रातः 4 बजे से लेकर 7 बजे तक, और रिटेल वाली जो फल और सब्जी मंडी है वो 6 बजे से लेकर 9 बजे तक के आदेश किए गए हैं। और जो भी फल, सब्जी, किराना, दूध है या ग्रोसरी के आइटम्स हैं वो जो है होम डिलीवरी जो है 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक अनुमन्य की गई है। शाम के 7 बजे से लेकर अगले प्रातः 7 बजे तक सभी प्रकार का गतिविधियां और आवागमन जो है वो अनुमन्य नहीं होगा, इसके आदेश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो कंटेनमेंट जोन है, जो हॉटस्पॉट एरिया है, उसमें किसी प्रकार की, सभी प्रकार की गतिविधियां और आवागमन, बाहर आना और बाहर जाना वो भी प्रतिबंधित किया गया है। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ सफाई कर्मी, चिकित्सा विभाग के कर्मी और आवश्यक वस्तुओं की जो डिलीवरी करने वाली टीम है उसका ही आना जाना अनुमन्य किया गया है। तो विस्तृत आदेश जो है दुकानों को खोलने, व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोलने के संबंध में और जो भारत सरकार की लॉकडाउन के संबंध में गाइडलाइन थी वो पूर्व में ही जारी की जा चुकी है। बाजार और प्रतिष्ठान खोलने के संबंध में बैठक करके आज विस्तृत आदेश निर्देश जारी किए गए हैं।